वापस आओ। इस बार मैं तुम्हें पकड़ लूं। इस बार तो तुमने सारी हदें पार करती है ना, रुको। हार मान लो। तुम मुझसे जलते हो क्योंकि मैं वो कर सकता हूँ जो तुम नहीं कर सकते हो, है ना? लूजर्स, बुद्धू, तुम मुझे नहीं पकड़ पाओगे। लॉर्ड होगागे, एक परेशानी है। मुझे परेशान बिल्कुल मत करना, और ये मत कहना कि उस परेशानी का नाम है नरूटो। जी नरूटो ही है, वो पत्थरों के चेहरों पर चढ़ गया। उसने हमारे होकागे के चेहरे रंग दिए है। ये तो बहुत ही आसान था। यहाँ क्या हो रहा है नरूटो? आप कहाँ से टपक पड़े रुका सेंसेई, और आप यहाँ क्या कर रहे हो? मेरी छोड़ो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें अभी क्लास में होना चाहिए। मेरे सफर का इम्तिहान मत लो। तुम पिछले दो बार ग्रेजुएशन टेस्ट में फेल हो चुके हो नरूटो। कल तुम्हें एक और मौका मिल रहा है, और तुम इसे ऐसे गवा दोगे? नरूटो, तुम्हारी वजह से पूरी क्लास आज ट्रांसफॉर्मेशन जुत्सु दोबारा करेगी। ऑलराइट, मैं हूँ साकुरा, ट्रांसफॉर्म। ओ, तुम मुझ में ट्रांसफॉर्म हो गए, बढ़िया। यस, मैंने कर दिखाया। मेरा पावर। सास्के, क्या तुमने देखा? नेक्स्ट, सास्के उचीहा। गुड। नेक्स्ट, नरूटो उज़ुमाकी। तुम हमारा टाइम बर्बाद कर रहे हो नरूटो। तुम्हारी गलतियां हमें भुगतनी पड़ती है। कौन सा मुझे फर्क पड़ता है? नरूटो, इस बार फेल मत होना। ट्रांसफॉर्म। हो छोटा ना, ये था मेरा क्यूट जुत्सु। सुधर जाओ नरूटो, ये तुम्हारा आखिरी मौका है। क्या मुसीबत है? जब तक ये पेंट पूरा साफ नहीं हो जाता, तुम घर नहीं जाओगे। तो क्या हुआ, वैसे भी घर पर कौन मेरा इंतजार करते हुए बैठा है? नरूटो, अब आपको क्या चाहिए सेंसे? पता, मैं सोच रहा था जब तुम ये सब कुछ साफ कर लोगे तो मैं तुम्हें नूडल्स खिलाने ले जाऊंगा, मजा आएगा, क्या कहते हो? अल्लाह, ये की ना अच्छी बात, अब मैं इसे एक झटके में साफ कर दूंगा। एंटर नरूटो उज़ुमाकी। नरूटो, तुमने होकागे के चेहरों पर ऐसा क्यों किया? मेरा मतलब, क्या तुम्हें पता है कि होकागे कौन है? हाँ, मुझे पता है। हर कोई जानता है कि वो अपने टाइम के महान शिनोबी थे, है ना? सबसे बेहतर अनडिफीटेड निंजा चैंप्स। और चौथे होकागे वो थे जिन्होंने गांव को नाइन टेल फॉक्स से बचाया था। वो तो सबसे महान थे। तो फिर तुमने ऐसा क्यों? क्योंकि मैं उन सबसे ज्यादा महान बनूंगा। मैं नारुतो, अगला होकागे, अ निंजा लेजेंड। फिर सबको मेरी बेइज्जती करनी बंद करनी पड़ेगी, और सब मेरा सम्मान करेंगे, देख लेना। बाय द वे, मैं आपसे एक फेवर मांगना चाहता हूँ सेंसेई। क्या तुम्हें एक और बोल चाहिए? मैं आपका हेडबैंड ट्राई करना चाहता हूँ, कम ऑन प्लीज। ये बिल्कुल नहीं। तुम लीफ हेडबैंड सिर्फ तभी पहन सकते हो जब तुम फाइनली एकेडमी से ग्रेजुएट होकर एक निंजा बन जाओगे। तुम्हें कल की टेस्ट पास करनी ही होगी। ये क्या बकवास है? हे, क्या तुमने इसीलिए अपने गॉगल्स उतारे थे? मुझे एक और बोल चाहिए। बॉयज एंड गर्ल्स, अब हम फाइनल एग्जाम शुरू करेंगे। जब तुम्हारा नाम लिया जाएगा, तुम आकर जुत्सु दिखाओगे। तुम्हारा फाइनल टेस्ट होगा क्लोन जुत्सु पे। ये तो मेरी घटिया टेक्निक है। बढ़िया,
अब मैं कभी पास नहीं होऊंगा। ठीक है, सब अच्छा होगा नारुतो, तुम कर सकते हो, विश्वास रखो। ग्लोंग जुत्सु। इरुका सेंसे, रिजल्ट अच्छा नहीं था पर उसने मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ी और रेप्लिकेट पूरा किया। ये उसकी तीसरी कोशिश है तो तुम्हें पता है कि वो सच में निंजा बनना चाहता है। मेरे ख्याल से हम उसे ब्रेक दे के पास कर सकते थे। मिजुकी सेंसे, बाकी के स्टूडेंट्स ने टेस्ट में कम से कम 3 रेप्लिकेशंस बनाए हैं पर नारुतो यहाँ सिर्फ एक ही बना पाया और इसकी हालत तो देखो कितनी खराब है। नहीं, मैं इसे पास नहीं कर सकता। देख वहाँ बैठा है, ये वही लड़का है। मैंने सुना है ये वही है जो फेल हुआ है। ये तो अच्छा ही हुआ। जरा सोचो, अगर वो निंजा बन गया तो क्या होगा? मतलब ये वो लड़का है जो हम इस बारे में बात नहीं कर सकते। इरुका, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। इरुका सेंसे टफ है पर वो तुम्हारे खिलाफ नहीं है। तो फिर क्यों मेरे साथ ही क्यों? क्योंकि वो तुम्हें सख्त बनाना चाहता है इसीलिए। और अगर वो तुम्हारे साथ नरमी से पेश आएगा तो ऐसा कभी नहीं होगा। वो बिल्कुल तुम्हारी तरह ही है, ना माता पिता ना फैमिली। पर इस बार मैं सच में ग्रेजुएट होना चाहता था। फिर तो मुझे तुम्हें बताना ही होगा। वैसे तो ये एक राज है लेकिन फिर भी मैं तुम्हें ये बता देता हूँ। एक राज? इरुका, क्या बात है लॉर्ड होकागे? मुझे पता है तुम्हें कैसा लग रहा है। तुम्हारा बचपन भी नारुतो की तरह ही रहा है, बिना परिवार के, बिना प्यार के। इसीलिए तुम नारुतो को प्रोटेक्ट करते हो। ये आगे बढ़ रहा है, इसे गांव की तरफ जाने से रोको। इरुका सेंसे, उठो। क्या क्या हुआ? तुम इसी वक्त मेरे साथ चलो, लॉर्ड होकागे ने तुम्हें बुलाया है। नारुतो भाग गया है, उसने हमारा सीक्रेट स्क्रोल चुरा लिया। तुम्हारा मतलब सीलिंग स्क्रोल? नहीं, जरा देखे, पहला वाला है मल्टी शैडो क्लोन जुत्सु। फिर से नहीं, ये तो मेरा सबसे खराब जुत्सु है। लॉर्ड होकागे, ये कोई मजाक नहीं है, ये गंभीर अपराध है। उस स्क्रोल में वो राज है जो फर्स्ट होकागे ने सील किए थे, वो राज जो सिर्फ हमारे गांव को पता है। अगर वो गलत हाथों में चला गया तो दुश्मन हमें बड़ी आसानी से मिटा सकता है। ठीक है, नारुतो को यहाँ लाओ, इसी बार जाओ। कहाँ गया होगा? मैंने तुम्हें पकड़ लिया। क्या बात है, आपने मुझे ढूंढ लिया। आप तो चालाक है सेंसे, अब तक मैं एक ही टेक्निक सीख पाया। ये यहाँ प्रैक्टिस कर रहा था, इसकी मेहनत दिखाई दे रही है। सुनिए इरुका सेंसे, मैंने जो जुत्सु सीखा है वो आपको दिखाता हूँ। आप मुझे पास कर देंगे तब सब ठीक हो जाएगा। क्यों, यही नियम है ना, स्क्रोल से जुत्सु सीखने वाले को पास किया जाता है ना? हाँ, ये तुमसे किसने कहा नारुतो? मिजुकी सेंसे ने मुझे बताया है, सच में उन्होंने इस जगह का पता दिया और बताया कि स्क्रोल कहाँ है। हाँ?
मिज़ुकी। बचो! तो तुम्हें हमारा खुफिया ठिकाना मिल ही गया? तो ये तुम्हारी चाल थी हाँ? मैं गलत समझा था। नारुतो, मुझे वो स्क्रॉल अभी दे दो। जरा एक मिनट, ये क्या चल रहा है? नारुतो, मिज़ुकी को स्क्रॉल मत देना। उसमें पुराने जुत्सु का राज है जो हमारे गांव को खतरे में डाल सकता है। मिज़ुकी ने तुम्हारा इस्तेमाल किया है सिर्फ अपनी पावर्स बढ़ाने के लिए। नारुतो, ये हिरुका की चाल है क्योंकि वो नहीं चाहता कि स्क्रॉल के जुत्सु तुम सीख जाओ। हाँ? झूठ बोलना बंद करो मिज़ुकी, इसकी बातों में मत आना नारुतो। मैं बताता हूँ झूठ कौन बोल रहा है। मिज़ुकी नहीं, ये आज तक तुमसे झूठ बोलते आए हैं नारुतो। 12 साल पहले इन्होंने वचन लिया था। क्या, कैसा वचन? इसके बारे में सब जानते हैं सिवाय तुम्हारे। इरुका अभी भी तुमसे ये बात छुपाना चाहता है। वो मुझे चुप कराने के लिए कुछ भी कर सकता है। मुझे बताओ क्या है वो वचन जो मेरे सिवा हर कोई जानता है। इससे वो राज मत बताओ। तुम्हें ये जानने का हक है कि तुम्हारे अंदर 9 डेड फॉक्स कैद है। उस फॉक्स का स्पिरिट जिसने हमारे गांव को उजाड़ दिया और इरुका के बाबा को खत्म कर दिया, वो तुम्हारे अंदर है। तुम ही हो वो 9 डेड फॉक्स। बस करो। इसलिए तुमसे ये बात इतने साल तक छिपा कर रखी। तुमसे ये लोग दूर भागते रहे। क्या इनका बर्ताव तुम्हें कुछ अजीब सा नहीं लगा? इनके लिए तुम्हें चीड़ा हो जो कभी जिंदा नहीं होना चाहिए था। नहीं 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 नहीं। नारुतो, नारुतो देख लेना, ये गांव वाले तुम्हें कभी नहीं अपनाएंगे। यहाँ तक कि तुम्हारा ये सेंसे भी तुमसे नफरत करता है। हिरुका, नारुतो के माँ बाप नहीं थे उसे संभालने के लिए। उसे हर मौके पर दूर किया जाता है। लोग उसकी तरफ देखना भी नहीं चाहते। अगर लोग ऐसा गंदा व्यवहार तुम्हारे साथ करें तो तुम्हें कैसा लगेगा? लोगों का ध्यान पाने के लिए वो गलत चीजें करता है। वो दिखाता नहीं है पर अपना पन पाने के लिए तरस रहा है। उसका दर्द समझो। तुम नहीं बचोगे नारुतो। नारुतो नीचे झुको। पर क्यों? क्योंकि हम दोनों एक जैसे हैं। जब मेरे माँ बाप गुजर गए, लोगों ने मुझे भुला दिया। मैं सबके बीच अकेला पड़ गया। कोई मेरा अपना नहीं था। मैं पढ़ नहीं पाता था। क्लास में एक जोकर बनकर रह गया था। मैं चाहता था लोग मुझे देखें, मुझे मेरे नाम से पुकारे। मेरे अच्छे नंबर आने के बावजूद भी वो मेरे काम नहीं आए और मैं गलत काम करने लगा जिसकी मुझे सजा भी मिली। मैंने बहुत कुछ सहा है। मैं तुम्हारा अकेलापन जानता हूं नारुतो। यह अकेलापन बहुत दर्द देता है। मुझे तुम्हें और बख्श देना चाहिए था नारुतो। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। इतनी दुख भरी जिंदगी और इतना अकेलापन किसी को नसीब नहीं होना चाहिए। अच्छा मजाक था। इरुका तुमसे नफरत करता है क्योंकि 9 डेड फॉक्स की वजह से उसने अपने माँ बाप खो दिए और अब वो दरिंदा तुम्हारे अंदर है। स्क्रोल हासिल करने के लिए ये तुमसे झूठ ही बोलेगा। नारुतो, वापस आ जाओ। जब वो कुछ ठान लेता है तो कोई उसका मन नहीं बदल सकता। अब वो स्क्रोल का इस्तेमाल करेगा गांव की तबाही के लिए। तुम्हें उसकी आंखों में वो आंख दिखी या नहीं? वो आंखें उस दरिंदे की थी। नहीं नारुतो, ऐसा नहीं है। तुम बेवकूफ हो का। जैसे ही नारुतो को मार कर मैं वो स्क्रोल हासिल करूंगा तब तक तुम अपनी सांसें गिन लो। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। ये सब गलत हुआ, मिज़ुकी की गलती है। उसने नारुतो को दुखी किया है। इतना दुखी किया है कि उसके अंदर का दरिंदा फिर से जाग सकता है। अगर नारुतो स्क्रोल से ऐसे ही खेलता रहा तो फॉक्स की वैश्य आत्मा को कैद में रखने वाला मंत्र टूट जाएगा।
और आजाद कर देगा उस वैशी दरिंदे को। मुझे सब की चिंता हो रही है। नारुतो, मिज़ुकी की सारी बातें झूठी है। स्क्रॉल मुझे दे दो, जल्दी। वो तुम्हारा पीछा कर रहा है उसे छीनने के लिए। ये नामुमकिन है। ये तुम्हें कैसे पता चला नारुतो? तुम्हें ये कैसे पता चला कि ये मैं हूं इरुका नहीं? क्योंकि मैं इरुका हूं। गलती मत करो, तुम आखिर उसे क्यों बचा रहे हो? उसकी वजह से तुमने अपने मां बाप को खोया है। तुम जो चाहो कह सकते हो, पर मैं वो स्क्रोल तुम्हारे हाथ नहीं लगने दूंगा। रोक सको तो रोक कर दिखा दो। लगता है तुम्हें पता नहीं कि नारुतो बिल्कुल मेरी तरह है। वो कैसे? उसे भी स्क्रोल उसकी पावर बढ़ाने के लिए चाहिए, जिससे वो बदला ले सकेगा। दरिंदे ऐसे ही होते हैं। देख लेना, वो स्क्रोल का इस्तेमाल करके पूरे गाँव को बर्बाद कर देगा। तुमने सही कहा। तो यही सच है, इरुका सेंसेई ने मुझ पर कभी यकीन नहीं किया। उनके लिए मैं एक दरिंदा हूँ या एक फ्रीक। दरिंदे ऐसे ही होते हैं। पर मेरा नारुतो ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। नारुतो बिल्कुल अलग है, मेहनती है। वो हर काम में जान लगा देता है। उससे गलतियां होती है और लोग उसे ताने भी मारते हैं, पर उनके ताने उससे मेहनत करवाते हैं, और कोई दरिंदा ऐसा कभी नहीं करेगा। इसीलिए तुम गलत हो, वो 98 फॉक्स जैसा नहीं है। वो है नारुतो उज़ुआकी, हमारे विलेज हिडन इन द लीव्स का। तुम इन बचकानी बातों पर यकीन करते हो? सोचा था कि नारुतो के बाद तुमसे निपटूंगा, लेकिन अब नहीं। बाय बाय इरुका। करेज इरुका। नारुतो, क्या बात है, तेरे में दम है। अगर तुमने मेरे सेंसेई को हाथ भी लगाया तो तुम नहीं बचोगे। ज्यादा मत बोल, मेरे एक जुत्सु से मैं तुझे मसल के रख दूंगा। तो चल पहले तू ट्राई कर ले, क्योंकि मेरा हाथ पड़ने के बाद तो तुम मिट जाएगा। पहले तू दिखा, मैं भी तो देखूं नाइट डेड बॉक्स में कितना दम है। शैडो क्लोन जुत्सु। नारुतो, ये कोई मामूली इल्यूजन नहीं, वो सॉलिड क्लोन्स हैं। इसने खतरनाक क्लोन जुत्सु सीख लिया। आओ पकड़ो मुझे। क्या हुआ मिज़ुकी? मैं यहाँ पर हूँ। अरे नहीं नहीं, यहाँ पर क्या हुआ? तुम तो मुझे एक झटके में खत्म करने वाले थे ना? हाँ, अगर तुम नहीं आओगे तो फिर हम आ जाएंगे। क्यों? पकड़ो ना, यहाँ आओ। क्या हुआ? सॉरी, मैं कुछ ज्यादा ही बोल गया ना। आप ठीक तो है इरुका सेंसे? हाँ, इसने तो कमाल कर दिया। इसे एक महान ग्रैंड मास्टर बनना है, और अब मुझे लगता है कि ये बन जाएगा। नारुतो, जरा यहाँ आओ, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। ये तुम क्या कह रहे हो? नारुतो किसी को नहीं मिल रहा। बिल्कुल नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें उसे अभी के अभी ढूंढ निकालना होगा। रुको, आप फिक्र करने की जरूरत नहीं है। लॉर्ड होकागे, स्क्रोल सुरक्षित है, नारुतो जल्दी ही लौट आएगा। सेंसे, अब और कितना इंतजार? ठीक है, अब अपनी आंखें खोलो। Congratulations, तुम ग्रेजुएट हो गए हो। और इस खुशी में एक सरप्राइज भी है, आज रात हम नूडल्स खाने जाएंगे। हाँ।
किरुका सेंसेई। नारुतो, ये तो सिर्फ एक शुरुआत है। निंजा का रास्ता कठिनाइयों से घिरा है, पर ये बात हम अभी नहीं करेंगे, क्योंकि मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। किसी और दिन ये बात करेंगे।